आशा करो पिला माने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो जो लेक्चर नंबर 7 से पिला जो लेक्चर नंबर 8 का स्टार्ट करा जीवो लेक्चर नंबर 8 रे कॉइल का जो स्टार्ट करा जीवो और जो चार्ज जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी थीला से रिमेनिंग प्रॉपर्टी रा जो स्टार्ट करा जीवो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रिमेनिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट करा जीवो जी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आउ पिला माने को मगियार डेफिनेशन लेखि दूची स्टेटमेंट लेखि दूची आगे को बोलो बोलो लेखि दियो स्टेटमेंट आ देगी मैं आपको एक्सप्लेनेशन करबी बोलो बारे बुझियो कंजर्वेशन चार्ज को होची द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम is always constant. Total charge of the isolated system is always constant. बर्तन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रॉपर्टी टा आसुची सेकंड प्रॉपर्टी जे फर्स्ट प्रॉपर्टी जे क्वाइटला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आ तन किछि क्वेश्चन एंसर डिस्कशन कराइतला आज ही हमें स्टार्ट करते जाऊ छे सेकंड प्रॉपर्टी जोना लिखाई छि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अब ये कंजर्वेशन चार्ज जो स्टेटमेंट लिखा है जी द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट बतन इज आइसोलेटेड सिस्टम जो लिखा है जी या माने कि सब इला माने आइसोलेटेड सिस्टम माने हो जी गुटे जे कोन से मतलब गुटे सिस्टम ना बा में सिस्टम रे बाहर किछ जिंस आसनो थिवो कि भीतर भी किछ जिंस बाहर को जाउ नथु बाहर किसी भितर को आसु नथिबो भितर जो किसी बाहर को जाऊ नथिबो सेही सिस्टम ता होची आइसोलेटेड सिस्टम तो वर्तमान कंजर्वेशन ऑफ चार्ज रे स्टेटमेंट रे कोन कह जाउ छी ई केस रे जे टोटल यदि हम आइसोलेटेड सिस्टम करिबा तार टोटल चार्ज सब बळे आसीबो कांस्टेंट अब ई कंजर्वेशन शब्दटा समस्त नुआ सुनो फर्स्ट टाइम सुनि तो बयला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समस्त पडी दिबो तोरा नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड सही बोलिया चार्ज रो भी सही प्रॉपर्टी नाइदर भी क्रिएटेड नॉर भी डिस्ट्रॉयड आउ टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम रो सब बोले कोन आसीबो कांस्टेंट जदे हम आइसोलेटेड सिस्टम धरिबा सेहि तार टोटल चार्ज जति कि थिबो सब बोले रहिबो कांस्टेंट आउ देखो ए केस रे ए जो स्टेटमेंट ता कहै छी ए स्टेटमेंट ता होउ छी 100% ट्रू हले 100% ट्रू देखो दुनिया रे कंजर्वेशन रोटा कोई थुजी कंजर्वेशन हमर जो क्वांटिटी रही छी आउ केत प्रकार अछि गोटे होची कंजर्वेशन ऑफ मास दुई नंबर होची कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी थर्ड रे होची कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आउ सबा लास्ट ऑफ इज चार्ज जोना मैं जी पढु छी तो कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी मोमेंटम आउ चार्ज ये जो चारिटा जिनस अच्छे मासटा समस्ते फास्ट इयर केमिस्ट्री पढ़ी चाहिए एनर्जी विषय में भी फास्ट इयर पढ़ी कंजर्वेशन मोमेंटम भी फास्ट इयर पढ़ी जो न्यूटन्स लॉ रे थिला ए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज टा में आज पढ़ते जाऊ ए तीनटा जिनस कंजर्वेशन टा एटा गुटे कंडीशन सैटिस्फाई करे कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी और मोमेंटम एटा सब बेले सत होबनी किछि कंडीशन सैटिस्फाई करिवो किंतु ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का एटा होची 100% ट्रू माने पूरा पूरी सत एटा टोटली मिछ नाही दुनिया रे जहां भी किछ हे जाला काई जे कोनोसी कंडीशन रे हो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का होची पूरा पूरी सत किंतु कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी 100% ट्रू नु हो कि बेटा जानिबो जेतावळे गुटे सेकंड इयर चैप्टर आसीबो न्यूक्लियर फिजिक्स सेटी आइंस्टाइन को फॉर्म से पढ़ी दिबो फेमस इक्वेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर सही समस्या आनबो जे ना दुनिया रे मास कंजर्व हुए ना एनर्जी कंजर्व हुए मास आउ एनर्जी मिसी किना कंजर्व हुए आ लास्ट आनबो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर मोमेंटम कंजर्वेशन केते बेले होबो जदि सिस्टम रे बाहरु किछि फोर्स पडु नथिबो बाहरु किछि फोर्स पडु नथिबो सेते बेले ही मोमेंटम टा कंजर्व होबो एही क्षेत्र रे हम चार्ज कथा कहू छी हम चार्ज रे बाहरु किछि फोर्स पड़ू कि न पड़ू किसी फरक पड़ब ना चार्ज टा सदा बेले आइसोलेटेड सिस्टम कौन कांस्टेंट चेंज हम ना से मन रखी कनसेप्ट आसा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कौन कौन टोटल आइसोलेटेड सिस्टम चार्ज टा सब कौन रोचे कांस्टेंट जोटा कि चेंज हम ना तो यार एक एग्जांपल द्वारा कह केस पाने गोटे एग्जांपल बुझे देख
फिक्सनाल चार्जिंग करें फिक्सनाल चार्जिंग द्वारा कौन चीज कैसे सपोज आम गोटे गोटे ना ग्लास रोड नहीं ग्लास रोड है कि गोटे कैस गोटे सिल्क ने ग्लास रोड सिल्क बर्तन ग्लास रोड में इलेक्ट्रोन अच्छी कोड़ेटा प्रोटोन अच्छी कोड़ेटा ये भी इलेक्ट्रोन अच्छी कोड़ेटा प्रोटोन अच्छी कोड़ेटा तो यार तुम पे नेट चार्ज के जीरो यार भी नेट चार्ज के जीरो कौन पर पॉजिटिव जितना अच्छी नेगेटिव सतटा ये भी पॉजिटिव जितेटा अच्छी नेगेटिव भी सेटा अच्छे से सेम अमाउंट पॉजिटिव नेगेटिव रहा द्वारा ये दुईटार नेट चार्ज आसूस जीरो आसूस तेरे ये जो ग्लास रोड और सिल्क रेस आम रबिंग करवा रबिंग कर सारापर कौन हम ग्लास रोड रु सिल्क ग्लास रोड रु सिल्क किसी अमाउंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो जदि ग्लास रोड रु सिल्क को किसी अमाउंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सपोज धर आम धरवा केस ग्लास रोड रु सिल्क को दसटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है तो जदि दसटा ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन संख्या केतला दस प्रोटॉन तो सही कोड़े अच्छे यहाँ दसटा पड़ा से इलेक्ट्रॉन के आसला ये कोड़ेटा थी दसटा नहीं गला कतला तीनटा प्रोटॉन से कतटा अच्छी कोड़ेटा तो तुम्हें देख भल से यार इलेक्ट्रॉन संख्या है माइनास दस प्रोटॉन संख्या प्लस कोड़े तो नेट चार्ज के यार प्लस दस यार भी सही भाला देख ये माइनास तीस प्लस कोड़े कतला माइनास दस तो इंडिविजुअली देख यार चार्ज जीरो जोटा प्लस टेन हो गला यार भी जीरो जोटा माइनास टेन हो गला कि तुम्हें पूरा सिस्टम टाक ना ग्लास रोड और स्क्रीन को पूरा सिस्टम टाक ना इनिशियल टोटल चार्ज यार भी जीरो फाइनल टोटल चार्ज सिस्टम धरवा टोटल चार्ज सिस्टम धरवा ये प्लस टेन ये कैसे आसूस माइनास टेन मिसिकिना नेटा के जीरो से कहगला जो टोटाल चार्जटा आइसोलेटेड सिस्टम कौन रोज कन्स्टाट मानने इंडिविजुआल ऑब्जेक्ट को देखा दुईटा ऑब्जेक्ट को मिसेक सागर देखा जदि आम इंडिविजुआल देखा तो चेंजेस पूरा सिस्टम को नहीं करते ही कंजर्व होती लिखी टोटाल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम कह मैं टोटाल होल सिस्टम क्या कहा से ही टोटाल चार्जटा कौन आस कन्स्टाट जोटी चेंज हम ना बाकी सब कौन रहा चेंजेस तो बर्तमान जो तो बुझाई कहगला परीक्षा को आम एग्जाम देखा देख ता विषय में कौन देख पाने जो जापर ये जो मास फेलियर हो चार्जा सक्सेस होगा गोटे एग्जाम्पल दूसरी देखा जैस बुझाई कहगला देखा दरकार नहीं यार एग्जांपल दूसरी एनहिलेशन एंड एयर प्रोडक्शन एनहिलेशन आउ गए एयर प्रोडक्शन जोटा कि हेडिंग बोटी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एनहिलेशन आउ गए एयर प्रोडक्शन एनहिलेशन माने कि सब लिखा कौन एनहिलेशन एनहिलेशन माने होते दुईटा जिनस मिसिकिना गोटे नुआ जिनस करेंगे वार्ड आसूस एनहिलेशन एनहिलेट एनहिलेट मान हूँ दुईटा जिनस मिसिक गोटे नुआ जिनस करेंगे से पेयर प्रडक्शन पेयर मान सब जान पेयर मान हूँ जुड़ा प्रडक्शन मान कौन हो तो दुईटा जिनस मिसिकिना गोटे जिनस करेंगे से एनहिलेशन जदि से गोटे जिनस भागिकिना दुईटा जोड़ा तैयारी कर मैं दुईटा जिनस करते नाम दिखाई पेयर प्रडक्शन तो बर्तमान ये केस एनहिलेशन आ गए आसूस कौन ये पेयर प्रडक्शन तो देख बर्तमान ये केस एनहिलेशन कथा बर्तन आम स्टार्ट करवा देखिए पेयर प्रडक्शन एग्जांपल कर देख एनहिलेशन कौन गोटे दिगला इलेक्ट्रॉन आ गए दिगला पॉजिट्रॉन मिसिकिना तैयारी कर गैस लाइट लाइट हूँ कौन सिंबलटा गामा देख ये भगवान एनहिलेशन देख ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की चार्जटा नेगेटिव
आज पॉजिट्रॉन प्राय समस्ते शुणीजन या विषय में गोटे इलेक्ट्रॉन विषय में कहगला यहाँ जानते समस्ते पॉजिट्रॉन हूँ कौनटा जदि से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज हो इलेक्ट्रॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज से नाम दी पॉजिट्रॉन अभी पॉजिट्रॉन कौनटा तुम मैंने शुणा लास्ट आस एंटी मैटर प्रॉपर्टी से पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉनटा हूँ नेगेटिव चार्ज पॉजिट्रॉनटा हूँ पॉजिटिव चार्ज माने से एका इलेक्ट्रॉन जिनसटा इलेक्ट्रॉनटा ये आम नेगेटिव कहे जदि आम से इलेक्ट्रॉनटा को पॉजिटिव देदे नाम दिया दिखे पॉजिट्रॉन किंतु यार आ मास हूँ सामान दुईजार मास हूँ सामान कि ये नेगेटिव चार्ज ये हूँ पॉजिटिव चार्ज जो मिसिले कौन तैयारी कौन लाइट जदि आम एपट गोटे इलेक्ट्रॉन को आ एपट गोटे पॉजिट्रॉन को आने मिसाई देखा गोटे जगार कौन टा बाहर हम ना लाइट बाहर लाइट सृष्टि हम है मानने यार एंटी मैटर हूँ पॉजिट्रॉन एंटी मैटर कनसेप्ट कौन तुम्हें जान या विषय पढ़व पर डिटेल है एंटी मैटर कौन तुम जान इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन से एंटी जिनस कहान कथा आम मैंने जो पृथ्वी अच्छे आम मैंने समस्ते मैटर गढ़ा आम समस्ते पार्टिकल गढ़ा आ पार्टिकल जेहेतु आम मैंने गढ़ा हीचे बोली से आम मान देहर इलेक्ट्रॉन अच्छी आम मैंने इलेक्ट्रॉन गढ़ा हो आम मत जो इलेक्ट्रॉन था ना नेगेटिव चार्ज से ही भाया आ गोटे जगह अलग ग्रह कहीं थी जो लोक मैंने एंटी पार्टिकल गढ़ाई थे आम जमी पार्टिकल गढ़ाई मैटर तैयारी से एंटी पार्टिकल मैंने पार्टिकल ठीक अपोजिट प्रॉपर्टी में तैयारी आ जो मैंने पार्टिकल ठीक अपोजिट प्रॉपर्टी में तैयारी से आज एंटी पार्टिकल आम जो मैटर कहे से एंटी मैटर कहते मैंने आम अपोजिट प्रॉपर्टी से सो करेंगे तो आम हिसाब से इलेक्ट्रॉन हूँ नेगेटिव हिसाब से इलेक्ट्रॉन हम पॉजिटिव आदि से मैंने एंटी मैटर गढ़ाई थे आम जब मैटर गढ़ाई थी तो दुटा को अपोजिट होते तो से मिसई देवा बिल सारा मैं कौन होगा लाइट हो हाला कि लाइटर गुरुत्व दबा एनर्जी होगा आ मैटर रही मान जदि आम कह आम पृथ्वी ग्रहर जो गोटे लोक अलग ग्रहर लोक सागर जब से हाथ मिलेदेव और आम जब मैटर अच्छे से जो एंटी मैटर अच्छे दुर्ज सर आम मिसिका कौन होगा लाइट होगा कि मतलब पशु पूरा से ही प्रपर्टीटा हूँ इलेक्ट्रॉन आगे कौन आसा पॉजिट्रॉन तो देख ये कथा मुझे एक्जाम्पल कहते कहल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन लाइट कथा कहते कहल मत देख पे ये रिएक्टेंट रे रिएक्टेंट नेट चार्ज कैसे इनिशियल टोटल चार्ज कैसे या देख प्लस वन या देख माइनस वन नेट चार्ज कैसे आसा जीरो और आम जाने लाइट हूँ मसलेस आउ किस चार्जलेस लाइट रोसी प्रकार मस भी ना कि लाइट चार्ज भी ना जदि लाइट रस आउ चार्ज ना से तार चार्ज सब के जीरो और एपटे इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज पॉजिट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज से समेसन टोटाल चार्ज के जीरो यार टोटाल चार्ज जीरो यार भी टोटाल चार्ज के आसला जीरो तो देख समस्ते रिएक्टेंट चार्ज जीरो प्रोडक्ट चार्ज जीरो तो रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट पंचायत दशमलव चार्ज को मानी पूरापूरी ठीक अच्छे ये पंचायत दशमलव चार्ज को पूरापूरी ये मानी देख ये कौन मास इनिशियल मास इलेक्ट्रॉन को मास अच्छी आ मास तो कहते नेगेटिव हमें से केस दुईजार मास जो भी आस इलेक्ट्रॉन मास अच्छी यार भी मास अच्छी सेम मास अच्छी तो प्लस करदे मास के भी जीरो हम ना क्या मास के भी कहारी नेगेटिव हम ना मास सब पॉजिटिव क्वांटिटी से मासटा के भी जीरो हम कि लाइट आम कहे मसलेस चार्जलेस यार मसटे केस जीरो आसूस तो देख येस गोटे जिस शिखला जे चार्जटा देखा गला तार इनिशियल और फाइनाल जीरो रोचे कितु मास क्षेत्र देख इनिशियल फाइनाल सामान हो आम देख कंजर्वेशन मासटा ये पूरापूरी फेलियर होगा कितु कंजर्वेशन चार्ज को देख मानु से जो चारिटा कंजर्वेशन क्या कहली मास एनर्जी मोमेंटम चार्ज ये चारिटार गोटे ही जिनस पूरापूरी सत से चार्ज बाकी जिनस सत एपाई हुए क्या से किसी कंडीशन मानती सब कंडीशन में सैटिस्फाई करेंगे ना जदि से सब कंडीशन में सैटिस्फाई करेंगे तेज कथा भी पूरापूरी ठीक ही था चार्ज कितनी कौन कौन सब कंडीशन मानव जो कंडीशन किसी भी मानुनी चार्ज को मानव
সেটিবে ভাব ইতিহাস যে ইলেকট্রন প্রোটন মিশ্রা দ্বারা ইয়ার মাস কনজারভেশন হো না কিন্তু চার্জটা কনজারভেশন হচ্ছে এইটা এক্সাম্পল আসে এন হিল্যান্ড হলো কি সে বাহার দুনিয়ার কে লোক আসলে সাথে হাত মিলবনি হলো কি তুমি হচ্ছ ম্যাটার সে অ্যান্টি ম্যাটার হাত মিলে দাও চালি গেল লাইট ভসমাই গেল হলো কি তা কহি হবনি কিনা আমি তো পার্টিকেল গড়া না সে অ্যান্টি পার্টিকেল গড়া হয়ে তো হাত মিলে সে বি নষ্ট আমি বি নষ্ট সাঙ্গে নষ্ট হয়ে যাওয়া হ্যাঁ কি ফিল্ম ফিল্ম দেখি তো যে ধুড়ি ধুড়ি উড়ি উড়ি যায় সেইভাবে ধুড়ি রকম উড়ি উড়ি পড়ে হ্যাঁ তো সেইটা হচ্ছে আমার ম্যাটার অ্যান্টি ম্যাটার কথা হ্যাঁ তো এটা আসলে অ্যানিহিলেশন অ্যানিহিলেশন কথা আপনি কোন কথা পেয়ার প্রোডাকশন হ্যাঁ কি অ্যানিহিলেশন কথা আপনি আসুচি পেয়ার প্রোডাকশন দেখো পেয়ার স্টার্ট করছি কোথা এটি পেয়ার প্রোডাকশন সব পিলা মানে স্ক্রিন কো পজ করো পজ করে লিখে দিও অ্যানিহিলেশনটা তারপরে স্টার্ট করছি পেয়ার প্রোডাকশন পেয়ার প্রোডাকশন পেয়ার মানে কিছু কোয়া গেল জোড়া প্রোডাকশন মানে তৈরি হওয়া জানা তৈরি হওয়া পেয়ার প্রোডাকশন হলো কি পেয়ার প্রোডাকশন হলো কি পেয়ার প্রোডাকশন মানে তৈরি হওয়া যেসব কথা আসুচি তো বর্তমান দেখো এটি পেয়ার প্রোডাকশন কোণ কুচি দেখো এটি ধর আমি সেই লাইট নেবা লাইট গামা হলো কি গামা লাইট সিম্বল গামা পার্টিকেল কোয়া যায় তাকে সিম্বল দেওয়া যায় গামা লাইট কু সিম্বল গামা রয়েছে তাকে ফটন বি কোয়া যায় লাইট কু তো লাইটটা যেতবে ইলেকট্রিক ফিল্ড কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাস করব না তো ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাস করব সেতবে সে দুইটা পার্টিকল দেব আপে আপে দেব গোটে দেব ইলেকট্রন আর গোটে দেব পজিট্রন দুইটা আপে আপে ডিফ্লেক্ট হবে মানে যদি লাইটটা গোটে ছাড়ি দেবা না ইলেকট্রিক ফিল্ড ম্যাগনেটিক ফিল্ড ভিতরে সে আপে আপে এমনি দুইটা পার্টে ডিভাইড করে পড়ে জড়ে পড়ব নেগেটিভ আড়কু আর জড়ে পড়ব পজিটিভ আড়কু যিয়ে নেগেটিভ আড়কু পড়াইলা সে হব পজিটিভ আর যে পজিটিভ আড়কু পড়াইলা সি হল নেগেটিভ তো সেই ইয়ে হল নেগেটিভ ইয়ে হল পজিটিভ তাকে নাম দিয়েছি ইলেকট্রন আটার নাম কিছু হব প্রোটন গোটে হল ইলেকট্রন আর গোটে কোণ আসা প্রোটন আর এই যে লাইটটা গামা পার্টিকল যে তৈরি হল লাইটটা যে গামা পার্টিকল তৈরি হচ্ছে ইয়ে হচ্ছে মাসলেস ইয়ে হচ্ছে চার্জলেস ইয়ার ইনিশিয়াল চার্জ কত আসব জিরো আর তুমি দেখি জাঁপ মতো কইতে পড়বনি ইয়ার কি টোটাল চার্জ কত আসুচি জিরো তো চার্জ দেখ রিয়াক্ট্যান্ট আর প্রডক্ট দুইটা সব সমান আসিলা না অলগা অলগা আসিলা সমান আসিলা রিয়াক্ট্যান্ট প্রডক্টর কিন্তু যদি মাস কথা কইবা আমি মাস কথা কইবা আমি লাইট মাস দেখো ইনিশিয়াল জিরো না লাইট তো কৌছে না মাসলেস আর চার্জলেস লাইট্র মাস আর চার্জ না তুমি যে হাত রোচ লাইট বল্ব ঘরে যাব ইলেকট্রিক বল্ব অছি পাখে হাত রাখব তুমি গরম লাগবে মানে এনার্জি না মাস না যদি লাইট্র মাস থাকা গোটে ভারী রকম লাগি থাকা লাইট অন করি না ঘরে শুব ফটকা ভাঙি যাব মাস না লাইট্র মাস না হল কি তোমার মাসটা জিরো কিন্তু এইটি ফাইনাল মাসটা জিরো নুহে এথিপাই জিরো নুহে কারণ কোণ জিরো ন হওয়ার মূল কারণ কোণ আসুচি এই কেস্রে কেন ইলেকট্রন পজিট্রন মাসটা অছি সেই ইয়ে জিরো হচ্ছে ইয়ে জিরো হু না বুঝলে মো পয়েন্ট সমস্তে তো কনজারভেশন অফ চার্জ কু মানুচি কনজারভেশন অফ মাস কু ইয়ে মানু না হল তো এটা হল কনজারভেশন অফ চার্জ স্টেটমেন্ট দি টোটাল চার্জ অফ দি আইসোলেটেড সিস্টম অলওয়েজ রিমেন কনজার্ভ আইসোলেটেড সিস্টম মানে কোয়াগলা যৌ সিস্টমে বাহার কিছু জিনিস আসবনি ভিতরক কিছু জিনিস যাব না আইসোলেটেড সিস্টমটি যদি এক্সাম্পল দেবি আইসোলেটেড সিস্টম প্রায় সমস্ত ফার্স্ট ইয়ারে কেমিক্যাল থর্মোডাইনামিক্সে পড়ি থাকে কেমিস্ট্রিতে আর পিলার ভাবতি থর্মোপ্লাস্টটা হচ্ছে আইসোথর্মাল নাইদর মাস ট্রান্সফার নর এনার্জি ট্রান্সফার কিন্তু থর্মোপ্লাস্ট আমার আইসোলেটেড সিস্টম নুহে সেটি কিছু অ্যামাউন্ট এনার্জি ট্রান্সফার হচ্ছে থার্মোফ্লাস্ক্রে চাহাটা রখিদেলা পরে সেটা সবুদিন গরম রইবনি কিছু সময় পরে রইব আইসোলেটেড সিস্টম সব বেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে ইউনিভার্স এন্টায়ার ইউনিভার্স দেওয়া আমি না এন্টায়ার ইউনিভার্স না বাহার কিছু নেছি না ভিতর কিছু দেছি হলো কি তার ভিতরে সব কাম চলছে সি হচ্ছে আইসোলেটেড সিস্টম তো পিলা মানে বুঝিপাল কি তো সমস্ত নোট বনি দিও কি ভালসে প্যার প্রোডাকশন লিখি দিও স্ক্রিনটা পজ মারিকি ভালসে লিখি দিও দেখি আমি আগে মানে চার্জ নেক্সট প্রপার্টি আমি আগে সমস্ত লেখা সত্য পোস্ট এটা আগে বা গোটা এক্সাম্পল করবো দেখ
करवा में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सॉरी होला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज परे हमें तो एग्जांपल कर दो प्रॉब्लम उठे देखो पिला माने ना दिया कि तो बॉक्स दिया है जी एक नंबर ये चार्ज दिया है जी प्लस 4 कूलम माइनस 2 कूलम प्लस 8 कूलम माइनस 14 कूलम एक्चुअली समथिंग बॉक्स दिया है जी ये बॉक्स दिया है जी यार चार्ज हो जी प्लस 6 माइनस 4 प्लस 10 इतना कितने माइनस कुछ चल मार इतना कितने माइनस कुछ चल मार है ना एक नंबर बॉक्स दिए जाते कि चार्ज एक नंबर बॉक्स में इतना मतलब चार्ज कितना है अलग ही ये इतना हो जी एक नंबर इतना हो जी इनिशियल है इतना हो जी फाइनल है इतना हो जी इनिशियल कंडीशन इतना हो जी फाइनल कंडीशन ये पचार फाइनल कंडीशन में से चार्ज वोल्टा के पिला मन समस्त स्क्रीन को वॉच कर वॉच कर के बोल से ये ट्राई कर देखि मु करी भी आंसर टा मैच कर हला कि वॉच ट्राई कर समस्त स्क्रीन को वॉच कर अच्छा तो मैं स्टार्ट करते हैं पहले स्क्रीन को पॉज कर प्रेस कर दी थी देखो इसमें से आंसर हो जी देखो बहुत स्टार्ट हो अच्छा हमें कौन कर ले एक नंबर टा हो जी इनिशियल का दो नंबर टा हो जी फाइनल का यदि हमें एक नंबर टा को इनिशियल को हो जे दो नंबर को हमें फाइनल को हो जे इस केस रे तो देखो पिला माने हमें जान जे कंजर्वेशन चार्ज को हो जी जे सिस्टम रो टोटल चार्ज सब कौन रहइबो कांस्टेंट यदि टोटल चार्ज कांस्टेंट रहिला तबे इनिशियल टोटल चार्ज इक्वल टू से आसीबो फाइनल टोटल चार्ज इनिशियल रो जति की चार्ज आसीबो फाइनल रो भी सति की चार्ज आसीबो आ जति इनिशियल और फाइनल ता समान आसीला तो इनिशियल टोटल चार्ज को हम लिखु छी इनिशियल चार्ज तो पर 4 8 8 चार कते आसला एटा 12 बुझे समस्त टोटल चार्ज कते आसला 8 4 12 ये कते आसला कोडी -2 -14 माइनस कते आसला 16 इक्वल टू ये समझला कुछी 10 6 16 माइनस कते 4 एटा अननोन टा को नाम दे दू छी हु क्यू तो सॉल्व कर कते आते पास भाई ये ला -4 कते 12 माइनस 16 माइनस 4 16 माइनस 4 कते ला 12 इक्वल टू क्यू तो क्यू कते हो 12 टा पड़े से माइनस ही जीवो माइनस 12 माइनस 4 कते आसला माइनस 16 अले ही चार्ज जो वैल्यू टा अननोन थीला यार बेटा कते आसला माइनस 16 पटे तो पिला बुझ पले केन करा गेला तो हमें एही हिसाब रे हमें चार्ज का कांसेप्ट क्लियर ही करछे हमें चार्ज रे वैल्यू भी काढ़ी परछे एते आसला माइनस 60 कूलम बुझ आसला कोसे कथाटा तो क्यू रे वैल्यू केते आसला एटा रे माइनस 60 कूलम हला तब तो पिला माने हमें नेक्स्ट अब स्टार्ट करिबा गल एक्सेल में से जा स्क्रीन को बस के लिखी दे जो मैं लिखी ना नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अच्छा देखो नेक्स्ट ओवर शॉट करो तीन नंबर प्रॉपर्टी जोड़ा लिखा है क्या एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज एडिटिव नेचर माने हुची किसो डारा एटा प्लस पड़ता माने ए केस रे प्लस करि सला पर देखिबा एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज माने प्लस करि सला पर चार्ज को केमती प्लस कराउ जानि एडिटिव नेचर माने एक्चुअली हो जी जे चार्ज को केमिति प्लस करा जों जानिबा ए जनरल त कहि दो तमन इन जनरल हमें जानि छे चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी
इन जनरल चार स्टॉप की कौन क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी चार स्टॉप वेक्टर में चार स्टॉप की कौन क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी यदि हमें चार स्टॉप को स्केलर क्वांटिटी कहूचे स्केलर क्वांटिटी को प्लस केमती करा जाए समस्त पिला जानी छोटा बेसिक जिनस जे जति सब वर्ल्ड रे हमर स्केलर क्वांटिटी अछि से स्केलर क्वांटिटी को हमें प्लस केमती करिना स्केलर क्वांटिटी मान को प्लस केमती करा जाए सिंपल एडिशन करा जाए यदि 2 प्लस 3 इक्वल टू 5 5 प्लस 7 इक्वल टू 12 सेटा होची स्केलर एडिशन जेहेतु चार रे स्केलर क्वांटिटी सो दे आर एडेड एलजेब्रिकली केमती एड करा जीवो एठी एलजेब्रिकली एड करा एलजेब्रिकली माने की सो मैथमेटिकली एड करा जीवो मैथमेटिक्स जब भी हम ऐड करू छे सही भलिया ऐड करबा टा को भी नाम दियै छी एलजेब्रिकली सेथि में कह जो छी एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज रे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज हम कहू छे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज रे जेहेतु गुटे स्केलर क्वांटिटी एबे चार्ज को हम ऐड केमती करबा इन जनरल एलजेब्रिकली माने जेमती हम जनरल एडिशन करू छे सेम एडिशन करबा वेक्टर एडिशन होबो नाही हला कि नॉट बी कंफ्यूज वेक्टर एडिशन होबो नाही तो बर्तन जो एलजेब्रिकल एड करके देखो बता जबुदर कहूँ केस रे ये केस गोटे जबुदर कहूँ एपटर चार्ज आसूँ लग हूँ 10 कूलम एपट आसूँ 5 कूलम तर मुझे कहे एपट चार्ज के बाहर ताले ये टेक ये पाँच तेल के आसला 15 कूलम बस सर सिंपल आंसर अरे डायरेक्ट एडिशन करना जब एलजेब प्लस कर क्या कहते हैं क्यू इक्वल टू मैंने नेट चार्ज क्यू नेट चार्ज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू डट डट क्यू एन है प्लस कर बुझेगा कथाटा तो नेट चार्ज जब कैलकुलेशन कर दिए केस में क्यू नेट आसला क्यू वन प्लस क्यू टू डट डट कहते आसला क्यू एन अरे भाई इन जनरल एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज बाहर ला चार्ज को हम ऐड कर चुके हैं एलजेब्रिकली एलजेब्रिकली ही हमें चार्ज को ऐड करी बा तापरे आगे बा पिला नेक्स्ट केस में आगे बा देखो तापरे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज परे अगला दिस वाला क्वेश्चन है स्क्रीन को पॉज कर लीजिए आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी आगे बा एडिटिव नेचर पर नेक्स्ट अब आसु छी फोर्थ वन फ्रेम डिपेंडेंट फ्रेम डिपेंडेंट जो कथाटा कहू छी फ्रेम डिपेंडेंट जे कथा आसु छी फ्रेम डिपेंडेंट माने हो छी माने एक्चुअली ये फ्रेम ऊपर डिपेंड करे ना या वैल्यू का फ्रेम ऊपर चेंजेस हो फ्रेम माने की सोचो फ्रेम माने हो छी फ्रेम माने होची जदि गोटे ऑब्जर्वर अछि ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर माने किसो माने जे ऑब्जर्व करे भाबिनो मु जे ऑब्जर्व करे मु वर्तमान जो जागा रो छेडा हे किना गोटे जिनसो को देखिबी सेटा होची फ्रेम मु जो जागा रो छेडा हे किना देखिबी से जागाटा को ही कोन कह जाउ छी फ्रेम कह जाउ छी तो वर्तमान मु एई जागा रो छेडा हे किना वर्तमान मु व्यू करू छी हला तो वर्तमान ए जगह रु छिड़ाई की जे वर्तमान मु व्यू करू छी वर्तमान ए जगह रु छिड़ाई की ना मु व्यू करू छी तो से जगहटा होची कोनटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हला कि जगहटा होची फ्रेम ऑफ रेफरेंस वर्तमान से कहू छी फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो कोटे सिंपल कोटे कांसेप्ट कहू छी कोन से पर सिंपल कांसेप्ट पुलाई बेन बेन केस रे बर्तन गोटे बसटा जाऊँगी ये बाहर गोटे प्लेन छिड़ा की देखु ए बी सी है मैंने बस तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन क्लैरिटी कर दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्लैरिटी कर दूसरी तुम जानला पर निजे बुझीपर कौनटा सी जो जगार छिड़ा की देखुची ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस सी र ए बी जो जगार छिड़ा हो देखुंट से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ से जगहटा मैंने ए बी पाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ बस जो बस जाऊँगी सी पाई फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ कि सर ग्राउंड सी देख ए और बी को किंबा देखा तरफ कि सी देख ए को सी जो ए को देख कौन लगे रेस्टा मसल लगे मसल लगे कहीं सी रेस्ट देखिए एटा को जाऊँ बीटा ए को देख कौन लगे रेस्ट मसल लगे रेस्ट लगे कैसे रेस्ट लगे कहीं बी भी तो सी बस भर अच्छे तो
तो दुई जनकर फ्रेम को देख भ्यूटा सेम ना डिफरेंट आस दुई जनकर फ्रेम को देख भ्यूटा सेम ना डिफरेंट आस डिफरेंट आस बास से कथा नहीं कहु ये चार्जा एक्चुअली जब फ्रेम को लेकिन ये दुई जनकर मोशन टा अलग अलग आसूस मानते जनका रेस्ट होनका मोशन हो चार्ज रो भैल्यूटा रोच दुई जनकर फ्रेम पर अलग आसब ना सामान आसा चेक करवा है कि तो बर्तमान देखा गला कौन जो ऑब्जर्वर आम जो जगार ढाई देखा किसी फरक पड़ो ना तुम्हें गोटे बस रे ढाई देख बस टाक रास्तार ढाक देख कि मोबाइल टावर उपर देख जो देखो देख डिमैग्निच्यूड ऑफ चार्ज रिमेन कॉन्स्टेंट वेदर द फ्रेम इज एट रेस्ट और मूव्स विथ कॉन्स्टेंट सॉरी और मूव और इन मूव्स था और इन मौसम में था मूव्स करते थे और इन मौसम हेला से कौन कहटा है चार्ज रो मैग्निट्यूडा सबुब कौन रही कन्स्टाट तुम्हें रास्त ढड़ा कि देख कि बस रेक देख कि एरोप्लेन देख कि मोबाइल टावर देखु जो भी देखु देख किसी प्रोब्लेम ना चार्ज रो मैग्निट्यूडा सब कौन रिक्स रही चेज हेना यही कथाटा कौन फ्रेम डिपेंडेंट बुझे मैं पॉइंट कही दे फ्रेम डिपेंडेंट मैंने कहूँ चार्ज रो मैग्निट्यूडा तुम्हें रेस्ट ने थाओ कि मोशन ने थाओ किसी फरक पड़ो ना चार्ज रो मैग्निट्यूडा जहाँ थी कथा से ही रुझे मो सब पॉइंटा तेज देख बर्तमान फाइनाल कनक्लूजन आम कौन जान लें केस्रे आम चार्ज तुम मैंने फ्रेम डिपेंडेंट कथा मुझे एक्सट्रा कहूँ तीन टा प्रॉपर्टी मैंने सिलेबस कही गोटे हूँ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज ये कथ जाना दरकार जो तुम्हें चार्ज मैग्निट्यूड को केवे भी चेंज करना जहाँ भी कंडीशन था से चार्ज जो मैग्निट्यूडा कहुत फर्मुला वैल्यूटा कहते हैं कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 92 लॉग या तुम्हें जिते पार चेस्टा करना के या तुम्हें जिते चेस्टा करे भी चेंज कर तुम्हें या चेज करना क्या तुम ऑब्जर्वरटा जो भी था यार भूलटा सब कौन रिज रेज हम ना से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90 कूलर बुझी गला समस्ते गट इट नेक्स्ट केस आगे पे देख तुम्हें अच्छा देख पे लास्ट कंक्लूजन छुटे इंसुरांस भी कही दूसरी नेक्स्ट भिडियो में स्टार्ट करेंगे कूलर सुलभ बोला कि मजल छुटे गोटे इंसुरांस लास्ट कही दूसरे कहती एक्चुअली आम पढ़ुचे क्या पढ़ी चार्ज को नहीं पढ़ुचे आम सब चैप्टर है कि चार्ज बिहेवियर तीन टा अच्छे गोटे हूँ रेस्ट सेकेंड रोज यूनिफॉर्म मोशन थर्ड रोज एक्सेलरेटेड मोशन है कि तुम्हें चार्ज प्रॉपर्टी जान थो कि दरकार आस जस्ट एक्स्ट्रा भी कौन प्रॉपर्टीज रे जाऊँ कि तुम सिलेबस ना है जस्ट गोटे एक्सट्रा कौन चाड़िया बहुत हेल्प करेंगे जितने चार्ज रेस्ट थी ना से चारिपटे गोटे ही फिल्ड क्रिएट कर मन रखी थी जो इलेक्ट्रिक फिल्ड जब चार्ज रेस्ट थी आम पढ़ पढ़ुचे चैप्टर ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माने कौन एक्चुअली चार्ज टा कौन अच्छे रेस्ट में अच्छे जदि चार्ज टा रेस्ट में अच्छे रेस्ट प्रॉपर्टी को पढ़ुचे आम केस रे ताले चार्ज जब रेस्ट थी ताले सही केस रे गोटे ही फिल्ड कथा आसा इलेक्ट्रिक फिल्ड आ मुझे कही थी इंट्रोडक्शन में जो गोटे नुआ कनसेप्ट इंट्रोड्यूस हो फिल्ड कनसेप्ट जहाँ विषय तुम्हें एत कि जान लिषय पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से चार्ज रेस्ट थे चारिपटे गोटे ही फिल्ड आसा इलेक्ट्रिक फिल्ड जब चार्ज गोटे यूनिफॉर्म मोशन जी मैंने कॉन्स्टेंट स्पीड जी जो से बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फिल्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड सिंबल ई देती मैग्नेटिक फिल्ड सिंबल मुझे बी देखी सर्ट रखा जानवा कथा टी जदि गोटे चार्जटा कॉन्स्टेंट स्पीड रे आगे जाऊ कॉन्स्टेंट स्पीड नॉट वेलोसिटी कॉन्स्टेंट स्पीड रे जाऊ से इलेक्ट्रिक फिल्ड भी क्रिएट हो
मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो। खाली इलेक्ट्रिक फील्ड केतळे क्रिएट होची रेस्ट अछि आ कांस्टेंट स्पीड रे गले सेटी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आसुची मैग्नेटिक फील्ड भी आसुची बुझिस गला दोस्ते एटा खाली जस्ट मन रखि दो तुमे तो ई चैप्टर रेस्ट करा पढिबो आ यूनिफॉर्म मोशन ना पढिबो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से चैप्टर आसी जानिबो त यदि चार्ज का एक्सेलरेटेड मोशन होगा एक्सेलरेटेड माने पूछो तो अप डाउन मोशन माने याने साइड की मूव करियो कांस्टेंट स्पीड होबो नी वेरिएबल स्पीड होबो वेरिएबल स्पीड माने आइदर स्पीड ता बॉडी बॉडी जीवो नॉलेज स्पीड ता कमी कमी आसु तो याने साइड हो जीवो एक्सेलरेटेड हो जीवो नॉट ओनली क्रिएट बोथ फील्ड but also produce electromagnetic waves dai bodai jodi gune charge ta accelerated motion na thibo accelerated motion na thibo sete bele se kouchi not only creates both field mane field to duta create hobo ता सारा आगे गोटे जिस क्रिएट हम सेटा हूँ कौन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स एटा प्राय समस्ते पढ़ो है कि समस्ते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ी जी मैक्सवेल कार्य ना लाइट सृष्टि कमी है से जिसटा एक्सपायरेड चार्ज पार्टिकल विषय पढ़ है कि बर्तमान में जस्ट खाली मन रखे कि जदि चार्जटा एक्सेलरेटेड मोशन में होते बोथ फील्ड भी क्रिएट होता सागर कौन क्रिएट होट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स हला कि छति भाई एटा जे रहला रेस्ट थिले खाली इलेक्ट्रिक फील्ड आसीबो यूनिफॉर्म मोशन थिले बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आसीबो जदी से एक्सेलरेटेड मोशन थिबो सेते बेले बुद्धिटा को फील्ड भी क्रिएट होउची ता संग्रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी क्रिएट होउची हला कि तो तीनटा को कांसेप्ट समस्त मन रखिथिबो द रेस्ट कथा द यूनिफॉर्म मोशन आ गुटे बलासला एक्सेलरेटेड मोशन हला कि तो पे समस्ते बुझीपाल कौन कहला चार्ज प्रॉपर्टी विषय आम प्रथम पढ़ले क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज तापर पढ़ले ना फ्रेम डिपेंडेंट गोटे एक्सट्रा पढ़ले आगे लास्ट कथा कहगला चार्ज मोशन को लेकिन कहगला रेस्ट यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेटेड मोशन तीनटार कौन कौन होगा कि तो आम डिटेल आम चार्ज प्रॉपर्टी सब पढ़ीदे सब कन्सेप्ट क्लियर हो गले तो आज के चार्ज प्रॉपर्टी क्लास टी था नेक्स्ट क्लास में आसमें नुआ पाठ स्टार्ट करेंगे पे जो पढ़ा कौन टा कुलम्स लॉ है कि नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे आम कुलम्स लॉ आ पढ़ा एत इम्पोर्टेन्स कहीं दिखाई कुलम्स लॉ को है कि विषय में डिटेल नेक्स्ट क्लास जाना तो आज का क्लास में पे ये था नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे कुलम्स लॉ ओके थैंक यू।